एक एंकर मुझसे टेलीफोन पर मुझे लिया, कहा आप कहते हैं जब जितनी दफा मर्जी तौबा तोड़ के तौबा करो तो अल्लाह माफ करेगा, आपके पास कोई मुलाजिम हो और वो बार 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 गलती करे, आप उसे रखेंगे, आप उसे निकाल नहीं देंगे? मैंने कह रहा मेरे दोस्त ये तूने क्या किया, तूने तारिक जमील को अल्लाह से मिला दिया, अल्लाह को तारिक जमील से मिला दिया। अरे अल्लाह अल्लाह है, तारिक जमील है, तारिक जमील तो बेटे को भी निकाल देगा अगर वो तीसरी से चौथी दफा नाफरमानी करेगा, नौकर तो नौकर है, मैं तो बेटे को, मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया था, मैं किसी और की बात क्या करूं, ये तो मौलवी मरना थे मेरे घर जो निकल जाते। 23 नवंबर 1972 हफ्ते का दिन था, मेरे बाप ने फरमाया अगर तू मौलवी बनना मेरे घर जो निकल जा, मेरा कदीम आबाई जिम्मेदारा सिलसिला है उसमें मौलवी बनना एक गाली था, उनका तू मेरे घरों निकल जा। मैं बिस्तर उठा के निकल गया, मैं कहा अल्लाह के बंदे अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है, जितनी दफा आओगे उतनी दफा माफ करेगा, जितनी दफा आओगे उतनी दफा माफ करेगा। मैं अल्लाह की रहमत को पाबंद करूं, तुमने अल्लाह को बादशाहों पे क्यास कर दिया है जो कहता जमीन भरो गुनाहों से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करो, मैं वो बता रहा हूं जो वो कह रहा है, का जमीन भर दे गुनाहों से, तय बतह लगा चांद तारों को भर दे, खला फिजा को भर दे और फिर आसमान की छत को लगा दे, सारी दुनिया के इंसान कहेंगे ये दोजखी है, तो एक दफा मुझे कहना या अल्लाह माफ कर, मैं सारे माफ करूंगा, सारे माफ करूंगा, होगा मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं। क्यों परवाह नहीं? कि मेरे गुनाहों से उसे क्या फर्क पड़ता है, मेरी नेकियों से उसे क्या फर्क पड़ता है।